इस वक्त बात करने के लिए हमारे साथ दुमका के विधायक और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के भाई बसंत सोरेन हैं। बसंत जी, आज जो कुछ भी हुआ सदन के अंदर, इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी? देखिए, इसकी ज़रूरत कुछ थी नहीं, लेकिन विपक्ष जो माहौल खड़ा कर रहा था इस राज्य में, जो बताना चाह रहा था कि देखिए क्या है क्या नहीं है, हम सरकार कभी भी बना सकते हैं, कभी भी गिरा सकते हैं, इस भ्रम को दूर करना, यहाँ की जनता को आश्वस्त करना, बड़ा यहाँ की जनता ने विश्वास जताते हुए आपको मैंडेटरी देते हुए आपको सरकार में बैठाया है। बहुत उम्मीदें हैं सरकार से, तो उनकी आशाएं, उनकी उम्मीद ना टूटे, इसलिए ज़रूरी था हम लोगों को बताना कि हम एकजुट हैं, ये गठबंधन एक परिवार के तरह है। अच्छा। ये बताने के लिए ही हम लोग सदन में थे। कई लोग आपको लेकर ही सवाल खड़े कर रहे थे, बीच में आप दिल्ली चले गए। होता क्या है ना कि मैं उस पेड़ का एक हिस्सा हूँ, तो स्वाभाविक है कि जब पेड़ तक नहीं कोई पहुँच पाता तो टहनी जो होती है उस तक पहुँच जाता है, तो पक्ष विपक्ष टहनी को ही सहनी पड़ती है, तो क्या करें। अच्छा, अभी दुमका में जो कुछ भी मामला हुआ अंकिता का मामला को लेकर, उसको लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं, आपका जो कई चैनलों में बातचीत है ऑडियो, उस बहुत एग्रेसिव तरीके से जो आप बात किए उसको लेकर वायरल किया जा रहा है, इसको लेकर के जिसने भी ये घटना की है, जो भी इसका अपराधी है उसको सजा मिलनी चाहिए। अच्छा, तो ये हिंदू मुसलमान को लेकर और जिस तरह से वहाँ के SDPO हैं, देखिए हिंदू मुस्लिम की बात नहीं है, यहाँ जिसने घटना की उसको सजा मिलनी चाहिए, जो पीड़िता थी, जो बच्ची थी, जो मर गई, उसके लिए मेरी संवेदना है, मेरे दुख है उसके साथ, और मैं उस परिवार के साथ खड़ा हूँ। यही वजह थी कि जैसे ही मेरे नॉलेज में आया, मैंने प्रशासन से, क्योंकि मैं बाहर था, मेरी नॉलेज में आया, मैंने प्रशासन से बात की, और उसका नतीजा है कि 3 घंटे के अंदर अपराधी की गिरफ्तारी हुई। लेकिन BJP बोल रही है कि इस पर बसंत सोरेन वहाँ के विधायक हैं लोकल, और कुछ नहीं बोल रहे हैं, न जाकर मिले परिवार से। मैं मानता हूँ इस चीज़ को कि मैं नहीं मिल पाया, मेरी दुर्भाग्य है, क्योंकि आपने देखा होगा जिस टाइम ये घटना हुई थी उस दौरान मैं बाहर था, उसके बाद पसोपेश का माहौल था कि आज यहाँ वहाँ, फिर रायपुर हो गया, और रायपुर से फिर आज हम लोग यहाँ हैं, तो अब मैं कल परसों में जरूर जाऊंगा। हेमंत सोरेन की सरकार पूरी तरह से सेफ है, कहीं हम लोग अस्वस्थ हैं? अस्वस्थ हैं बिल्कुल। ये विधायक बसंत सोरेन थे जो, जिन्होंने साफ तौर पे कहा कि हेमंत सोरेन की सरकार जो है वह पूरी तरह से सेफ है, हालांकि जिस तरह से कोशिश की जा रही थी सरकार गिराने की, और वही साबित करने के लिए आज ज़रूरी था कि सदन में इस राज्य की जनता को सदन के जरिए जो है ये बताया जाए कि किस तरह से जो विधायक हैं वो उनके साथ इंटैक्ट हैं, और वही आज एक दिन का विशेष सत्र बुलाकर जो है ये विश्वास मत सरकार ने हासिल करने का काम किया है। और अब बसंत सोरेन ने दुमका के मसले पर भी खुलकर कहा है कि जो कुछ भी घटनाएं घटी है और उसमें जो भी आरोपी है उसको कड़ी सज़ा मिले, चूँकि गिरफ्तारी तो पहले ही हो चुकी है। BJP की तरफ से ये लगातार सवाल खड़ा किया जा रहा था कि दुमका के विधायक हैं बसंत सोरेन और वो इस मसले पर चुप हैं, कहीं कुछ नहीं बोल रहे हैं, चूँकि इसलिए क्योंकि जो आरोपी है वह मुस्लिम है, हिंदू मुसलमान के मसले पर जो है अंकिता के मामले से ही लगातार चर्चा जो है शुरू हो गई थी, और इन तमाम मसलों पर खुलकर बसंत सोरेन ने अपनी बातें रखी। शुक्रिया। विवेकानंद विद्या मंदिर स्कूल एक CBSE एफिलिएटेड इंग्लिश मीडियम कोएड स्कूल है। हम शिक्षा के साथ संस्कार देते हैं। The followup.in Like, share and subscribe. www.thefollowup.in